हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, इससे पहले जो हमारे दो पार्ट्स आ गए हैं, इसमें हम कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हमारा जो भी बीच में जो पार्ट्स आते हैं उसके, या इंटरनली एक्सटर्नली या उसके बाद भी जैसे CD DVD जो भी इसके साथ यूजेज हैं या यूजेबल मटेरियल हैं, उसके जो आगे जो इन्वेंटर हैं या फादर हैं या फाउंडर हैं या हमारे डेवलपर हैं, उनके नेम्स, ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये सीधा ही प्रश्न बनता है, जो एक एक नंबर का वी माउस किसने बनाया है या कीबोर्ड किसने बनाया है, या मान लीजिए सी लैंग्वेज किसकी डिवेल्प की हुई है, या C++ लैंग्वेज की कौन फाउंडर हैं, तो ऐसे। तो आज हमारा पार्ट तीसरा है। इससे पहले अगर आपने हमारे दो पार्ट्स अभी तक देखे नहीं हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम उसका जो लिंक है उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड्स इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में पंच कार्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, वो किसने बनाए थे? वो बनाए थे हमारे हॉलरिथ ने। किसने उन्हें बनाए थे? हॉलरिथ ने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, इन्होंने बनाए हैं हॉलरिथ ने। नेक्स्ट देखिए, इन्वेंटर ऑफ स्पेस बार एंड कंप्यूटर गेम। इससे पहले जो हमने एक और किया था, जो दूसरे पार्ट में किया था, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स गेम्स बनाते थे उसके बारे में। और यहाँ पे क्या है देखिए, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वेंटर ऑफ स्पेस बार एंड कंप्यूटर गेम, जो स्पेस बार कंप्यूटर गेम किसने बनाई है? तो देखिए, ये हमारे, हाँ जी, ये बनाए हैं हमारे स्टीव रसल एंड MIT ने। किसने बनाए हैं? स्टीव रसल एंड MIT। नेक्स्ट देखिए, इन्वेंटर ऑफ Z1 कंप्यूटर। Z1 कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है? जो इन्होंने, जो हमारे कंप्यूटर की सीरीज है काफ़ी, वैसे तो जो हमारे साइज़ के ऊपर, जो साइज़ के बेस पे जो कंप्यूटर की डिविडेशन है वो ऐसे होती है, सबसे पहले मिनी, फिर माइक्रो, फिर मैक्रो, मैक्रो के बाद आता है हमारे पास मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद आते हैं सुपर। तो यहाँ पे ये अलग है। तो Z1 कंप्यूटर का जो इन्वेंटर है वो किसने बनाया है, उनका नेम क्या है? कोनार्ड ह्यूज। क्या है? कोनार्ड ह्यूज। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इन्वेंटर्स ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स। ये मुझे लगता है रिपीट हो गया है, हमने पहली वीडियो में इसका किया था। जो हमारे इन्वेंटर हैं इसके, किसके? इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स के। माइक्रो प्रोसेसर्स के नहीं, वो IC का था, माइक्रो प्रोसेसर के। तो किसने, किन ने बनाया है? ये बनाया हमारा फैगिन, दो तीन जनों ने बनाया है वैसे, ये फैगिन, हॉफ एंड मेजर। किसने बनाया है? फैगिन, हॉफ एंड मेजर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। लैपटॉप कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहले जो लैपटॉप कंप्यूटर था, जो पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसे लैपटॉप कहते हैं। पहले तो नोटबुक भी इसमें ही आता है, काफ़ी तरह के होते हैं। तो जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो किसने बनाया है? वो बनाया है एडम ऑसबॉर्न ने। किन्होंने बनाया है? एडम ऑसबॉर्न ने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ जी, यूनिवाक वॉज डिवेलप्ड बाय। ये क्या है हमारा यूनिवाक, UNIVAC। ये आते हैं हमारे पास जैसे यूनिवाक हो गया, इडवाक हो गया, इडसाक हो गया। ये हमारी जो पहली जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, Generation 1 से लेके Generation 5 तक, जो अभी तक चल रही है हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आखिरी है हमारी, उसमें जो इससे रिलेटेड है, जो यूनिवाक इडसाक, ये हमारी पहली जनरेशन के से रिलेटेड है कंप्यूटर, बीच में कुछ सेकंड में भी आते हैं। तो देखिए, ये किन्होंने बनाया था? ये बनाया था हमारा, एक मिनट इरेज कर दें, ये बनाया था हमारा जॉन मैक्यूली एंड जे प्रेसर इकर्ट। इन्होंने बनाया है जॉन मैक्यूली एंड जे प्रेसर इकर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इन्वेंटर ऑफ अर्थनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग। जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में अर्थनेट जो हम यूज़ करते हैं, अर्थनेट कंप्यूटर जो नेटवर्किंग में, तो उसको किसने बनाया है? ये तीन जनों ने मिलकर बनाया है, जो कम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, डेविड बॉक्स। नेक्स्ट देखिए चक ठेकर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बटलर लम्पसोनिन। क्या है? लम्पसोनिन।
तो एक बात और, इससे पहले जो हमने जो शॉर्टकट कीज़ और जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमने वो उसकी काफ़ी हमने आगे तक तैयारी कर ली है। मल्टीपल जो हमारे शॉर्टकट कीज़ थी वो तो हमारे टोटली पूरे हो चुके हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर के जहाँ हम बेसिक यूज़ करते हैं या हमारे पास विंडोज़ कीज़ के या फंक्शन कीज़ के वो सारे हो गए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक बात, ये जो हमारे हैं इसके बाद जो मल्टीपल चॉइस करवाए थे मल्टीपल चॉइस भी आप देख सकते हैं, और यूजी नेट का पेपर वन, और इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे जिन्होंने जी इन्वेंटर फाउंडर फादर या डेवलपर इसके बारे में हम कर रहे हैं। इनायक वास डेवलपर वाए, अभी हमको आपने आपको हमने ऊपर बताया यूनिवाक इवाक इटसाक इनाक भी उनके बीच में से ही है, ये किन्होंने बनाया है, ये दो जनों ने बनाया है आप देख सकते हैं, यूनिवाक भी उनका है। एक मिनट मैं पेन चेंज कर लूँ, देखिए हाँ जी, जो यूनिवाक है वो भी इन्होंने ही बनाया है, किन्होंने बनाया है, जॉन मैक्यूली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट। तो इनायक है जो हमारा, ये भी इन्होंने ही बनाया है, जॉन मैक्यूली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एक मिनट हाँ जी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए ये हमारा हो चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर हैं वो किसे कहते हैं, अभी आप इसको छोड़ दीजिए चाहे, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है उसके फादर कौन हैं, उसके हैं एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट देखिए, ये जो है हमारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्या है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इससे पहले जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको करवाई थी, जो इसके इन्वेंटर डेवलपर फादर या फाउंडर थे, एक आपको सी का बता दिया था, C++ का बता दिया था, उसके बाद HTML का बता दिया था, उसके बाद जावा का बता दिया था, उसके बाद हमारा जो WWW पर लैंग्वेज में नहीं आता, जो सिंपल जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब उसका, क्योंकि इसका और इसका सेम है। C के कौन थे? डैनिस रिची। C++ के कौन थे? बजारने स्ट्रॉस्टप। HTML के कौन थे? डैनिस रिची। जावा के कौन थे? ये थे हमारे जेम्स गॉसलिंग। और जो WWW के थे हमारे, ये हमारे सेम है HTML और अकेला HTML और जो हमारे WWW टीम बर्नर्स ली। तो चलिए जो हमारी बाकी की लैंग्वेजेस कुछ रह गई हैं तो आइए उसके बारे में जानते हैं। PHP भी करवा दिया था आपको, बाकी काफ़ी कुछ करवा दिया था। तो देखिए पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है हमारी गाइडो वैन रोसम ने। किसने बनाई है? गाइडो वैन रोसम ने। नेक्स्ट जो हमारी आती है पर्ल, ये किसने बनाई है? ये बनाई है लैरी वॉल ने। किसने बनाई है? लैरी वॉल ने। नेक्स्ट देखिए आप, जावा स्क्रिप्ट किसने बनाई है? जावा स्क्रिप्ट बनाई है ब्रैंडन ईच ने। किसने बनाई है? ब्रैंडन ईच ने। नेक्स्ट देखिए जो रूबी है, रूबी किसने बनाई है? ये बनाई है युकिरो मत्सुमोटो, युकिरो मत्सुमोटो, ये इन्होंने बनाई है रूबी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए लिस्प, ये भी हमारा मुझे लगता हो गया पहले हमारे फर्स्ट पार्ट में, जो ये जो हमारी लिप्स है जो किसने बनाई है? ये बनाई है जॉन मैकार्थी ने। किसने बनाई है? जॉन मैकार्थी ने। नेक्स्ट देखिए पास्कल, पास्कल जो लैंग्वेज है हमारी किसने बनाई है? निकोलस रिथ ने। किसने बनाई है? निकोलस रिथ ने। तो ये थे हमारे आज की जो 3 स्लाइड्स, पहली जो हमारी थी ये वाली, ये हमने तभी इसको पार्ट्स में बांटा है ताकि बच्चे ज़्यादा देखे कई बार डर जाते हैं, तो ये आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सीधा प्रश्न बनते हैं। ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारी तीसरी थी। और अंत में ये हमारा आज का जो हमारा लेक्चर था, अंत में देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए आए हैं या रेगुलरली हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग या अपडेट करते हैं हम या नया रेगुलरमेंट नोटिस आता है उसके रिगार्डिंग जो भी हम अपडेट करते हैं, अगर वो देख रहे हैं रेगुलरली, अगर वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, जैसे जो भी हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जो भी प्रेपरेशन करवा रहे हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और इसके साथ जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं या नया डिटेल नोटिफिकेशन आता है या कोई अपडेट आता है या कोई रिजल्ट आता है उसकी रिगार्डिंग, अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल RS लर्नर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहे इसके रिगार्डिंग। और एक बात, इसको आगे भी शेयर कीजिए, आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ताकि जो भी बच्चे आपके फ्रेंड सर्कल में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनके लिए, जो हमारा चैनल है RS लर्नर्स, वो भी यह उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।